गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। हरिणी जैसा कि अभी देख पा रहे हो राइट से होके आई है और पूरी गंदी हो चुकी है। मतलब वो जो लाल मिट्टी का दाग होता है ना पूरा बाइक, मतलब नीचे का जो पार्ट है, पीछे का चक्का, चेन कवर सब गंदा हो चुका है। तो इसको बाद में वॉश करवा देंगे, लेकिन आज मैं जा रहा हूँ थोड़ा काम से बाहर दीदी को लेके। उसका ऑफिस के तरफ थोड़ा काम है एंड थोड़ा शॉपिंग भी करेंगे। अरे रे रे, बाइक में पेट्रोल नहीं है। तो पिछले वाली जो राइड थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लंबी थी मेरे लिए। टोटल 500 किलोमीटर एक दिन में हम लोगों ने कर लिया था, तो दैट वाज माय रिकॉर्ड। मतलब उतना लंबा मैंने कभी एक दिन में राइड नहीं किया है। मैक्सिमम 180 किया है एक दिन में दीघा तक, लेकिन उस दिन तो बाप रे बाप, मतलब 250 किलोमीटर अप डाउन, तो बहुत ही बड़ा मतलब मेरे लिए अभी तक था। आगे और भी लंबा करना है। तो आज मैं जा रहा हूँ दीदी के साथ, थोड़ा उसका ऑफिस में काम है, कुछ सामान लेना ऑफिस से उसको, जो लॉकडाउन के पहले वहाँ पे छूट गया था लॉकर में, तो वो ले लेंगे। और माउस भी वहाँ पे है उसका ऑफिस में पड़ा हुआ लैपटॉप के लिए, क्योंकि बिना माउस के लैपटॉप में यू नो काम करना थोड़ा सा टफ रहता है। माउस रहने से ईजी हो जाता है, एडिटिंग में भी बहुत काम आता है वो चीज़। तो वो करेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा शॉपिंग भी करना है अपने लिए। यू नो लॉकडाउन में ज़्यादा कपड़ा खरीदना हुआ नहीं है, तो हाफ पैंट वाफ पैंट खरीद लेंगे थोड़ा। अभी आ गए हैं मेन रोड पे और सामने ही है पेट्रोल पंप। अरे एम्बुलेंस, तो पेट्रोल पंप से भी फ्यूल करवा लेंगे। आज का रेट है 102 रुपये पर लीटर नॉर्मल, और पावर का 106। उफ, ये पेट्रोल का प्राइसेस तो जान ले लेगा यार। 490। चलो हरिणी का तो पेट पूजा हो गया, अभी निकला जाए। प्राइस बढ़ गया ना पेट्रोल का, क्या बताएं। अपनी हरिणी माइलेज भी ठीक ठाक दे देती है, क्योंकि शी इज 125 cc BS6, तो ठीक ठाक माइलेज मिल जाता है अपने को। और पेट्रोल पंप में 490, 500 क्यों नहीं बोला, 490 क्यों बोला, क्योंकि कुछ कुछ पेट्रोल पंप में, सब में नहीं, वो लोग क्या करते हैं कि जो होल डिजिट्स रहते हैं, जैसे कि 100, 150, 200, 250, 300, ऐसे करके उसमें कम पेट्रोल देते हैं। मतलब मशीन में ऐसा कुछ रहता है सेटिंग कि इसमें कुछ आपको कम पेट्रोल जाता है। तो आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हो, आप 490 बोलो, 499 बोलो, 495 बोलो, जो मतलब ऐसे एकदम अनयूजुअल नंबर्स होते हैं वो बोलो, तो वो सेटिंग कैच नहीं कर पाएगा और आपको एकदम एग्जैक्ट उतना ही पेट्रोल मिलेगा। इतना सुंदर लग रहा है ये रोड। एंड सामने का जो क्लाउड्स है ना, वो मतलब वही, एक दिन वो बारिश हुआ था कोलकाता में जिस दिन हम लोग राइड से लौट रहे थे, उसके बाद से आसमान एकदम पूरा साफ, एकदम ब्लू कलर का लग रहा है। तो अभी आने वाले कुछ ही दिनों में हम लोग एक बार राइड प्लान कर रहे हैं। उतना ज़्यादा लंबा नहीं होगा, थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे, लेकिन सुंदर जगह होगा वैसे ही देख के जाएंगे। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना। अभी यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा होगा आईडी मेरा, तो वहाँ पर मैं स्टोरीज एंड पिक्चर्स डालता रहता हूँ, और वहाँ पे मतलब ज़्यादा एक्टिव हूँ। मतलब यूट्यूब पे तो थोड़ा लेट से वीडियो आता है, लेकिन वहाँ पे सब कुछ स्टोरीज वोरीज एकदम पहले आपको मिल जाता है, तो ज़रूर से फॉलो कर लेना। अरे यार, एक और सिग्नल हूँ। अरे बहुत गर्मी है, धूप है, तपती हुई गर्मी में ये हमारा 2 मिनट का सुकून। हाँ, यहाँ पे अंदर थोड़ा ठंडा लगता है यार, लेकिन फिर कुछ ही सेकेंड के बाद ये फिर धूप के अंदर। क्या यहाँ पे सिग्नल बंद क्यों है, सिग्नल बंद है यार, बड़ा कंफ्यूजन मैन। अरे क्या करना, जाए कि नहीं जाए, तुझ अंकल को जाए कि नहीं जाए, जाबो। अरे तू जा रही, वो ही बोला कि जाओ यार, जो करना करो। इतना यार हाथ में पूरा धूप के एकदम चटके से पड़ रहे हैं, फुल स्लीव पहनना चाहिए था। एटमॉस्फेयर में
मेरे को भी वही लग रहा था, घर हो तो एटमॉस्फेयर जैसा हो यार। होगा होगा एक दिन। अरे ऑरेंज बीच में आके ना, ये जब ऑरेंज होता है दैट इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग टाइम, कि क्या करना है, रोक भी नहीं सकते, आगे जाने में भी लगता है कि अभी केस देगा, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात को। मैं तो टान देता हूँ यार आगे की तरफ, उस टाइम पे और रोका नहीं जाता, 40-50 का स्पीड पर कौन रुकेगा। सॉल्ट लेक की बात ही कुछ और है, नहीं सुंदर है। तो दीदी तो चली गई ऑफिस के अंदर, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे शेड के नीचे क्योंकि बाहर धूप बहुत है। हरिनी भी यहाँ पे खड़ी हुई है। तो अभी जो इधर पे खड़े खड़े इतनी गर्मी लग रही है ना कि क्या बताऊं। और इधर आसपास पे एक भी दुकान खुला नहीं है जहाँ से ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक मिले, और मैं भी कैरी नहीं कर रहा हूँ, तो यार एग्जॉशन बहुत है। तो आधा घंटा वेट करने के बाद दीदी आ गई है, उसको सारा सामान मिल गया है, और मैं उसको भी बोलूँगा कोल्ड ड्रिंक पिलाने के लिए। सब कुछ मिल गया? हाँ बहुत कुछ मिल गया, ले पकड़, ले पकड़ मैं हाथ में। क्या क्या है इसमें? ठंडा पिलाएगी तू मेरे को, इतना ऐसे गर्मी में खड़े हैं? ये रहा। IM ठंडा होगा कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट दे दीजिए एक, 500 का चेंज होगा, हो जाएगा। हाँ हाँ ये हम लोग आ गए हैं गोड़िया हाट। चलो उतरो हेलमेट। ओके तो यहाँ पे भी हम लोग शॉपिंग करेंगे हाफ पैंट का। ये सब अच्छा लग रहा है, चलो डाल दो। ओके तो हमारा शॉपिंग हो गया है डन, 3 हाफ पैंट लिए जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, अभी जाएंगे घर की तरफ। चलो तो अभी आ गया स्पेंसर्स थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। कौन सा ली? ठंडा है? ठंडा नहीं है, जाके करेंगे ठंडा। यहाँ पे ठंडा नहीं मिलेगा, मन कर रहा सब पी लूं। इस घर पहुंचने वाले हैं तो इस वीडियो को इतना दूर रखते हैं। पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, और मुझसे कुछ बोलना चाहते हो या वीडियो के बारे में कुछ भी बोलना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, बिंदास जाए कमेंट करो। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।